कि सरकार एक अच्छा माहौल में सहायक पुलिस लोगों का साथ बैठे और परिस्थिति का हल निकाले। ये लोग इतना तक बोल रहे हैं कि उनको वोटिंग देने का भी अधिकार नहीं है, पोस्टल बैलेट का भी अधिकार उनको नहीं मिलता है। तो सरकार बहुत कुछ कर सकता है। काल जो घटने हुए थे सहायक पुलिस लोगों का ऊपर लाठीचार्ज किया गया और भी उसको बर्ताव किया गया। मैं सहायक पुलिस लोगों से भी मिला और इसका दौरान दो आईआरबी का घायल हुआ था वो दो लोगों को भी मिला और सबका सबको साथ मिल के सबका साथ मिल के उसको यही लगता है कि सरकार को डिस्कशन करके बातचीत करके ये मसला को हल करना चाहिए, नहीं तो ये मसला आगे जाके फिर बड़ा ही होगा। सहायक पुलिस लोगों ने मुझको बोला है कि लोगों को वेतन नियमित नहीं मिलते हैं, हर साल का एक्सटेंशन होता है, मेडिक्लेम नहीं दिया जाता है, कोई लोगों का देहांत हो जाता है ड्यूटी में उनको भी मुआवजा नहीं मिलते हैं। और साथ में जो पहले वादा किया गया था वो भी निभाया नहीं जा रहा है। मेरा इतना ही निवेदन होगा कि सरकार एक अच्छा माहौल में सहायक पुलिस लोगों का साथ बैठे और परिस्थिति का हल निकाले। ये लोग इतना तक बोल रहे हैं कि उनको वोटिंग देने का भी अधिकार नहीं है, पोस्टल बैलेट का भी अधिकार उनको नहीं मिलता है। तो सरकार बहुत कुछ कर सकता है। मेरा निवेदन होगा कि कम से कम बात करें, समस्या को हल करने का कोशिश करें। ये मारपीट होते रहने से किसी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये लोग पुलिस का साथ काम करते हैं। अगर पुलिस इनको पीटते हैं और फिर पुलिस का भी जख्मी होते हैं तो बाद में आगे काम करने में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो इसीलिए मिलके चलना ठीक है, डिस्कशन करने से स्थिति का हल निकालना सही। आज पारा शिक्षक भी पहुंचे हैं घेराव के लिए, कैसे देखते हैं? लगातार इस प्रदेश में आंदोलन होते जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है लोगों का। मेरा लगता है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सबका साथ बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। और कोई गृह सचिव बैठे वो ठीक नहीं है, डिस्कशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से ही होना चाहिए, तभी हल निकालेगा पॉलिटिकल लेवल में डिस्कशन होने से। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।